ఫారెస్ట్ లో ట్రెక్కింగ్ కి వెళ్ళినప్పుడు మిస్ అయ్యాడు. అక్కడ అతన్ని ఎవరో అటాక్ చేసినట్టుంది. ఇంట్రెస్టింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటంటే అక్కడ అతనికి. हेलो दोस्तों, तो आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ साउथ तेलुगु फिल्म की एक ऐसी फिल्म जो बेहद ही एक्शन मूवी होने वाली है, जिन्हें आप देखने के लिए काफ़ी उत्साहित होंगे. जी हाँ दोस्तों, और वो फिल्म के नाम है साकनी और डाकनी. जी हाँ दोस्तों, फिल्म साकनी और डाकनी बहुत जल्द बड़े पर्दे पर आने वाली है. इस फिल्म के डायरेक्टर सुधीर वर्मा ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, जो कि ये फिल्म एक वॉर पर रिलेटेड है. ये फिल्म एक वॉर से रिलेटेड है, जिसमें साकनी और डाक दो लड़कियां रहती है जो एक फौजी रहती है. और ये वॉर के साथ साथ एक कॉमेडियन मूवी भी है, इसमें कॉमेडी भी दिया गया है. ये कॉमेडी एक्शन ड्रामा है. ये फिल्म बेहद ही रोमांटिक और कॉमेडियन होने वाली है, और कॉमेडियन के साथ साथ ये एक वॉर भी होने वाला है, जिसमें एक्शन भी काफ़ी दिया गया है. तो ये फिल्म बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है, धमाकेदार होने वाली है. लीड रोल के रूप में रेगिना कसंद्रा और नेविता थॉमस. इसके अलावा और भी कई पॉपुलर एक्टर इस फिल्म में मौजूद हैं. जी हाँ दोस्तों, रेगिना कसंद्रा को तो आप जानते ही होंगे, ये साउथ फिल्मों के अलावा कई वेब सीरीज़ में भी काम कर चुकी हैं, जो कि काफ़ी हिट रही है. और अब इस बार रेगिना कसंद्रा और नेविता थॉमस के साथ साकनी और डाकनी फिल्म बहुत ही जल्द बड़े पर्दे पर आने वाली है. इस फिल्म में रेगिना कसंद्रा और नेविता थॉमस दोनों एक फौजी के रूप में नज़र आने वाली हैं, जो कि एक देश के लिए लड़ने जाती है, जिसमें ये दिखाया गया है कि फिल्म में किस तरह से अपने देश के लोगों को बचाया जाता है. ये फिल्म एक्शन के साथ साथ कॉमेडी भी देने वाली है. रेगिना कसंद्रा और नेविता थॉमस ने इस फिल्म में एक अहम भूमिका निभाया है, जिसके किरदार को देखकर लोग काफ़ी उत्साहित हैं इस फिल्म को देखने के लिए. उम्मीद है कि आप भी इस फिल्म को देखने के लिए उत्साहित होंगे, क्योंकि रेगिना कसंद्रा फिल्मों में, साउथ फिल्मों के अलावा कई वेब सीरीज़ों में भी काम कर चुकी है, जो वेब सीरीज़ बड़े पर्दे पर काफ़ी हिट रही है. तो इसी तरह फिल्म की नॉलेज लेने के लिए हमारे वीडियो को कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारे हर आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके.